दुआ है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया अद्दुआ मुखुल इबादा, ये इबादत का जौहर है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो असल इबादत है। ये दुआ ही तो हमें मयसर नहीं है, 17 रकतें पढ़नी है हमने ईशा की, लेकिन अल्लाह के साथ कोई लॉग नहीं लगी, इधर की उधर की सोचें आ रही हैं। है 17 रकतें पढ़ी हो या 7 पढ़ी हो 10 पढ़ी हो, आपको अजर मिलेगा, लेकिन आपको दुआ की नसीब नहीं हुई। दुआ कब होती है? बकौल इकबाल, ये जो मेरे अंदर है फाइनाइट ईगो, अनाए सगीर, अना मैं, ये छोटी सी अना है, उस अनाए कबीर, इस अनाए कबीर के लिए सबसे बड़ी जो मजर आयत है कुरान मजीद में वो सूरह ताहा की है, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना, मैं हूं वो अल्लाह जिसके सिवा कोई इलाज। ये अनाए कबीर है, द इनफाइनाइट ईगो, अल्लाह अनल्लाह, द बिग अना, और ये छोटी सी अना है, अना मैं। जब ये अनाए सगीर अनाए कबीर के रूबरू आती है, हम कलाम होते, ये है दुआ। अगर ये जागी नहीं, बेदार हुई नहीं, हम कलाम हुई नहीं, तो वो दुआ तो हासिल नहीं हुई। मुख इबादत जो है, जौहर इबादत का हासिल नहीं हुआ। हाँ, एक शक्ल है इबादत की, मरासिम उबूदियत है, ये अशकाल है, रह गई रस्म अजा रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, एक शक्ल है तुमने कर ली, अजर मिलेगा, आखिर वक्त निकाला है, लेकिन हकीकत सलात और शेयर।